अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। इस नौकरानी को बहुत शौक है ना बहू बनने का। अब देखो इसे कैसा नाच नचाते हैं। रुको, लाओ ये हमें दो। नहीं नहीं मैडम जी, ये हम कर रहे हैं ना, ये हमारा काम है। हाँ ये काम तुम्हारा है, लेकिन ये सारे जूस हमें चाहिए। तुम्हें ना यही रहने दो, वो वाले जूस जाके ले जाओ। जाओ ये क्लास कैसे भी करके उस नौकरानी को पिलाना है, फिर उस नशे के बाद उसका तमाशा देखने लायक होगा। तो ये हरकत कर रही थी तुम? वो दादी सांस जी हमें माफ। कली तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, हम जानते हैं कि तुम अपने हाथ से जूस और शरबत सबको देना चाहती हो, लेकिन ये नौकरानी का काम है तुम्हारा नहीं। अभी हम गेंदा फूल को बुलाते हैं ये काम करने के लिए, वरना तुम नौकरानी और वो महारानी बन जाएगी। अब दादी सास जी को क्या बताएं कि वो सच की महारानी है। जी जी दादी सास जी, हम उन्हें जाके खुद दे देते हैं। एक मिनट। हाय दैया, बुआ सास जी ने तो ये शराब वाला जूस उठा लिया। दादी सास जी आप ये वाला रहने दीजिए, ये बहुत मीठा है, आपको मीठा नुकसान करेगा। आप ये लाल वाला कम मीठा वाला शरबत ले लीजिए। अरे हमें कोई मधुमेह की बीमारी थोड़ी है कि जो हमें मीठा नुकसान करेगा, हम तो यही वाला पियेंगे। जीजी ये देखिए पकौड़े, मुझे तो बहुत स्वादिष्ट लगे, आप चक्कर बताइए कैसे हैं? अच्छा है। अरे एक कली हमारा जूस ले गई, हमें तो वही जूस पीना था। कोई बात नहीं, ये वाला पी लीजिए। बेटा जूस देना। कली जी आप क्यों सर्व कर रही हैं ट्रे लेकर? नौकरानी जी आप सुबह से काम कर रही हैं, तो हमने सोचा कि आपका काम थोड़ा हल्का कर दें। लीजिए आप भी जूस पी लीजिए। पी लीजिए ना नौकरानी जी, देखिए वरना सब लोग कहेंगे कि घर की होने वाली बहू कितनी निर्दयी है कि जो घर के नौकरों का ख्याल नहीं करती। वैसे तो आपने जो हमारी साड़ी की हालत की है उसके बाद हमें आपसे नाराज होना चाहिए, पर देखिए हम आपका कितना ख्याल रख रहे हैं। कली जी लेकिन हमने आपकी साड़ी खराब नहीं की। छोड़िए नौकरानी जी, आप ये जूस पी लीजिए और आप ये मत सोचिएगा कि हम आपसे किसी तरह का बदला ले रहे हैं।
नहीं, आराम से भाभी। जल्दी जल्दी सब एक साथ करने की क्या जरूरत है? लीजिए पीजिए। अरे ये क्या कर रही हो? अब पानी पी लीजिए ना, जूस से ज्यादा ये असर करेगा, है ना सास जी? अरे जो भी असर करे भाभी, अब जल्दी पीजिए, आराम मिलेगा। मानते हैं खाना बहुत टेस्टी बना है, इसका मतलब ये नहीं है कि एक साथ सब खा जाए। अरे कुछ तो मेहमानों के लिए भी छोड़ दीजिए। हाँ हाँ ठीक है, तुम ज्यादा मत बोलो, मैं तो खाऊंगी और खाऊंगी। भाभी आप तो बुरा मान गई, सुनिए तो कहाँ जा रही है भाभी? नौकरानी जी, जी आपने तो जूस पिया ही नहीं, लीजिए पी लीजिए। जी ठीक है, हम पी लेते। एक गेंदा फूल। कली जी आप ये पकड़िए, मालकिन बुला रही है, हम अभी आते हैं, ठीक है? ये नौकरानी खुद नाचने से पहले हमें अपने पीछे नचा रही है, ऐसे पिलाएं से हम जूस? फूल तुम खाना तो अच्छा बना लेती हो, ऐसा ही स्वादिष्ट खाना कली को भी बनाना सिखा दो, ताकि वो दिव्यम का दिल जीत सके। जी। मैडम जूस ले लीजिए। थैंक यू भैया, सच में बहुत ज्यादा प्यास लगी थी, हम बस पानी ही पीने जा रहे थे। इनको भी अभी आना था। तुम यहाँ सुकून से खड़े होकर के जूस पी रही हो, तुम्हें जरा भी ध्यान है कि स्टार्टर्स खत्म हो गए हैं? जाओ जाकर के मेहमानों के लिए स्टार्टर लेकर आओ। सॉरी माँ जी, हम बस अभी गरम कर लाते हैं। सुजाता हद करती हो तुम, उसे जूस पी तो लेने देती। सॉरी माँ, वो मेहमानों की टेंशन में गलती से हमारे मुंह से इतना सब गुस्सा निकल गया, हम करना नहीं चाहते थे, मगर माँ स्टार्टर्स खत्म हो रहे थे इसलिए हमने कहा, और हमने भी अभी तक कुछ नहीं खाया है माँ, कुछ पिया भी नहीं है, ये जूस हम ही पी लेते हैं। सॉरी सास जी, गलती से हम आपसे टकरा गए। गलती से गिर गया? जिस तरह से तुम भागते हुए बैल की तरह आ रही थी, ऐसा लगा तो नहीं कि तुमसे गलती हो गई है? पूरी साड़ी खराब कर दी हमारी। जाने तो सुचाता, हमारी होने वाली बहू है। बुआ, होने वाली बहू है तो थोड़े तौर तरीके आने चाहिए इसे, ये इसका गाँव नहीं है, हमारा घर है। साड़ी, सॉरी सॉरी सास जी, माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए, अब हमें अपनी साड़ी साफ करनी पड़ेगी माँ, हम अभी आते। सारा काम चौपट हो गया, अब बस आखिरी मौका है। ये बची हुई शराब हम बर्बाद नहीं होने दे सकते, हमें कुछ भी करके जूस में मिला के इसे राधिका को पिलाना ही है। कली जी,
ये आपको जूस चाहिए था ना, ये लीजिए। नहीं नहीं हमें नहीं चाहिए। लेकिन अभी तो आप जूस ही उठाने जा रही थी। हाँ पर आपके लिए। आप सुबह से कितना काम कर रही हैं? इसे रखिए और आप ये जूस पीजिए। इस शराब वाले जूस के पीते ही ये नौकरानी होगी दिव्यम के दिल और इस घर से बाहर। अब देखिए मन अति सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।